अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा। वेलकम आई यूट्यूब चैनल WRM। उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। आज हम मौजूद है अलमद मंदिर पर, जिसकी ब्रांच है गुरु मंदिर वाले सीधे रोड पर। हम आपको अंदर ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़े मजेदार से खाने हैं, बहुत जबरदस्त ये रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हैं, रेस्टोरेंट में आपको दिखाती भी जाती हूँ बाहर से ही, कितना जबरदस्त इसकी लोकेशन है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इसकी लोकेशन, आपको बाहर से दिखाते हुए जा रही हूँ कि लोकेशन कितनी जबरदस्त है। और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, आइए हमारे साथ। ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से हम एंटर होंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है जो यहाँ पे बैठा हुआ है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर आप आए अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय करें, आपको बहुत मजा आने वाला है, हम भी आपको दिखाने वाले हैं। जी व्यूअर्स, हम अंदर की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, रिसेप्शन में हमारे भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आकाश। आप ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर? मैं जी आ रहा हूँ, गेस्ट रिसीव करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से ये गेस्ट रिसीव करता हूँ। यहाँ पे नाम लिखते हैं कि कौन कौन से गेस्ट आए, कितने लोग हैं, और पर्सन के नाम वगैरह लिखते हैं। माशाल्लाह से बड़ी मेहनत का काम है, बेस्ट ऑफ लक। आइए हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बड़ा सा रेस्टोरेंट है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ की ब्रांच है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जाके, आगे हम जाके आपको दिखाने वाले हैं। ज़बरदस्त सा ये रेस्टोरेंट है, खूबसूरत सी लोकेशन है। यहाँ पर पीछे बच्चों का प्ले ग्राउंड भी, प्ले एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है। बर्थडे का भी सिस्टम मौजूद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। झूले वगैरह भी हैं, उसके थोड़ा करीब जाते हैं हम झूलों के और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं। वहाँ पे टोकन वाले जो झूले होते हैं, जिसे टोकन लिया जाता है, वो वाले झूले भी मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं आगे चल के। खूबसूरत सी लोकेशन इसलिए है कि यहाँ पर अगर आप आएंगे फैमिली के साथ तो आपको मज़ा आने वाला है, ठंडी ठंडी हवा आएगी। ओपन रेस्टोरेंट है, मज़ेदार सा, आप आइए और ज़रूर इंजॉय कीजिए। जी व्यूअर्स, हमने आपको दिखाया यहाँ पर झूले मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत। और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर बच्चों के, छोटे बच्चों के जो जो टोकन लेके झूले झूले जाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। असल में बच्चों के लिए बड़ी खूबसूरत होता है कि अगर इस तरह का एनवायरनमेंट हो, खाने के साथ साथ इवेंट वगैरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इवेंट हो भी रहा है, हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ का जो प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड प्ले एरिया जो है यहाँ का, इससे आगे अगर हम जाते हैं तो और भी बहुत सारे यहाँ पे झूले मौजूद हैं। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा भी है और अब हम वापस बाहर की तरफ जाने लगे हैं, रेस्टोरेंट की तरफ। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि खाने यहाँ पर कौन कौन से हैं। जाहिर सी बात है, मंदी कहाँ है तो मंदी तो यहाँ पर ज़रूर होगी। हम आपको बाहर जाके दिखाते हैं कि यहाँ पे मंदी कौन कौन सी किस्म की है, और लोगों का भी क्या माशाल्लाह से रश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवाम आई हुई है काफ़ी सारी है। और अगर इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर तैयार होती हैं अफगानी बोटी, कढ़ाइयाँ। ये देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे कढ़ाइयाँ, इसका सेटअप लग चुका है, एक के बाद एक काफ़ी सारी किस्म की कढ़ाइयाँ तैयार हो रही हैं। बिल्कुल मेन एंट्रेंस पर इनका एक सेटअप है। यहाँ पर अफगानी बोटियाँ, जो एक चिकन को क्या बोलते हैं उसको, चिकनाई की पीस के साथ ऐड होती है, जिसको कहते हैं अफगानी बोटी। यहाँ की स्पेशल जो चीज़ है वो अफगानी बोटी भी है, लोग बड़े शौक से खाते हैं इसे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर इनकी मंदी हो गई, टिक्के हो गए, बारबेक्यू हो गए, ये सब यहाँ पे तैयार होता है। ये इनका किचन है, तीन मंदी और माशाल्लाह से एक के बाद एक मंदी तैयार हो रही है, बहुत खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर सीखें हैं और यहाँ पर चिकन के पीसेस हैं जो कि मंदी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं या प्लेटर के लिए यूज़ होते हैं, ये भी तैयार होने वाले हैं और आपको हम दिखाएंगे तैयार होने के बाद इसका जो खूबसूरत सा लुक आता है वो किस तरह आता है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये ग्रिल मटन लेग तैयार हो रहा है माशाल्लाह से, ये लेग तैयार हो रहा है और ये ग्रिल लेग पीस तैयार हो रहा है, ये दिखाया हमने आपको इसी के साथ। जी व्यूअर्स, हम यहाँ किचन की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर चपाती तैयार की जा रही है और इसके साथ ही बराबर में है पराठे का इंतज़ाम माशाल्लाह से, गरम गरम ऑयल है और उसकी तरफ जो नान का तंदूर लगा हुआ है, रोगनी नान, हर किस्म के नान यहाँ पे बनाए जाते हैं।
और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खूबसूरत सा नान बन के तैयार होता है और निकलता है यहाँ से। ये देखिए ये नान और ताफ्तान शीर माल हर चीज़ यहाँ पे बनाई जाती है। ये फिलहाल रोगनी नान है, आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे प्लेटर तैयार हो चुका है, खूबसूरत सा प्लेटर है। और ये चिकन फ्राइड राइस है, चिकन चिली विथ मंचूरियन है, खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इसमें क्या क्या ऐड होता है, उसकी क्या रेट है। जी व्यूअर्स, ये खूबसूरत सी मंदी तैयार हो चुकी है। यहाँ की सबसे अच्छी जो क्वालिटी और डिमांड है वो मंदी की है। जाहिर सी बात है, मंदी के ऊपर नाम रखा गया, अगर मंदी बेहतरीन ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आने वाला, लेकिन जो मंदी खाएगा तो मज़ा आ जाएगा। आप लोगों ने भी आना और ज़रूर ट्राई करना है। जिस तरह ये दिख रही है आपको खूबसूरत, जायके में भी उतनी ही मज़ेदार होने वाली। जी व्यूअर्स, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये पीछे की जो लोकेशन है इसकी बहुत खूबसूरत है, और आपको लोकेशन देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं, खूबसूरत पिक्चर आएगी यहाँ पर। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत प्यारा सा है, हम आपको बैकग्राउंड दिखाने आएंगे, इतना खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। उसके साथ साथ बड़ा सा किचन मौजूद है, जहाँ पर बेहतरीन किस्म के खाने तैयार होते हैं। सफाई के साथ अपने कैप पहने हुए हैं और खाने का एक अलग ही अंदाज़ है, और लोग इंजॉय कर रहे हैं, आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, हम यहाँ के मैनेजर के साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह से इन्होंने पूरा सेटअप संभाला हुआ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरफराज अहमद। सरफराज जी, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ आकर, आपने पूरी सपोर्ट दी हमें। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो लोगों का रश है और अभी कुछ ही दिन हुए, तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके हवाले से? जी माशाल्लाह से क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ के जो मोस्टली स्पेशल डिशेज के बारे में आपको बताता चलूँ, हमारे जो मोस्टली जो रनिंग आइटम है वो एक मंदी है, मंदी है, ये काफ़ी ज़्यादा चलता है। और हम लोगों ने यहाँ पे नाम तो हमारा है अरबिक मंदी के नाम से बना हुआ, लेकिन इसके अंदर सारी वैरायटीज़ के हैं, बारबेक्यू है, चाइनीज़ है, फास्ट फूड है, और कढ़ाई वगैरह देसी फूड के अंदर हंडीज़ वगैरह हैं, और अफगानी बोटीज़ भी, जैसे सम टाइम लोग जाते हैं वहाँ पर अलासिफ की तरफ, हमने इधर ही रखा है, वो भी अफगानी बोटी भी है और अफगानी पुलाव भी है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो मंदी के वो रेट क्या है यहाँ का? मंदी के देखिए 2% जो सर्विंग है, अगर आगे चिकन में लोग लाइक करते हैं वो है तकरीबन 1500 रुपये की, और मटन जो है 2% सर्विंग जो है 2200 रुपये की। और प्लेटर भी मैंने माशाल्लाह देखा, उसके क्या रेट हैं? प्लेटर भी 2 से 3% सर्विंग है, उसमें 5 वराइटीज़ के बारबेक्यू आते हैं विद राइस के साथ आता है, उसके तकरीबन 3500 रुपये उसकी प्राइस है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा होम डिलीवरी अगर होती हो? जी जी बिल्कुल, होम डिलीवरी भी करवाते हैं हम लोग, टेक अवे भी हम लोग देते हैं, नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप कोई नंबर शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? जी जी बिल्कुल, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो बता दें, व्यूअर्स देख रहे हैं। जी नंबर जो है 03122182371, ये नंबर है, आप जब भी आप कॉल कर सकते हैं। 5 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी टाइमिंग है, आप 5 बजे से लेकर 1 बजे तक किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह डिलीवरी भी करवा देंगे और टेक अवे भी ऑर्डर आपको पहुँचा देंगे, और डाइनिंग भी अगर आप करवाना चाहते हैं रिजर्वेशन भी हम लोग करवा देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, हम यहाँ रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, यहाँ का नाम है मदनी मंदी। मैंने शायद शुरू में शायद गलत नाम ले लिया, लेकिन आपने याद रखना है मदनी मंदी के नाम से यहाँ का नाम है। बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं भी अपनी फैमिली के साथ नहीं आई, सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आई हूँ, तो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। काफ़ी अच्छी स्पेस है, झूले हैं, हर चीज़ है, मंदी है और प्लेटर है हर चीज़, और प्राइस भी बहुत नॉर्मल से हैं। तो आप लोग आइए अपनी फैमिली के साथ और ज़रूर एंजॉय कीजिए, और हमारे चैनल WRM को लाजमी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और रखें अपना बहुत सारा ख्याल। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर किया करें, और हमारी वीडियो को देखा करें। अपना रखें ख्याल। हाफिज़।